नमस्कार, आप देख रहे हैं namofamedia.com। महोबा में 1 फरवरी को मुख्यालय के डीएवी इंटर कॉलेज के सामने प्रियंका ज्वेलर्स की दुकान से अपनी पहचान छिपाते हुए 21 लाख की टप्पेबाजी के साथ लगभग 150 ग्राम सोने के आभूषण ले उड़े थे। एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम गठित की। उक्त टीम टप्पेबाजों की तलाश में जुट गई। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि छतरपुर रोड स्थित रेलवे पुल के पास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और वहां मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 5 पुरुष व 5 महिलाएं शामिल हैं, जो कि जिला अलवर राजस्थान के निवासी हैं। एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने टप्पेबाजी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए लोगों के पास 2,50,000 रुपये व पीली व सफ़ेद धातु के जेवरात बरामद किए हैं। तमीरुद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा। थाना कोतवाली अंतर्गत एक कमलेश सोनी जी ज्वेलर की दुकान है, जिनके दिनांक 1 तारीख को कुछ टप्पेबाजों ने उनके साथ जेवरात और नगद की टप्पेबाजी की थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा उन्होंने काफ़ी बाद में 9 तारीख को लिखवाया। टीम मेरी काम कर रही थी, क्राइम ब्रांच और थाने के लोग, इसमें 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से कुछ अलवर के हैं और ज़्यादातर अलवर के हैं, राजस्थान के और मथुरा छाता और मेवात हरियाणा के। इनके साथ गिरफ्तारी के साथ साथ बरामदगी भी 2.5 लाख कैश और कुछ जेवरात की हुई है। कितनी की नकदी सर बरामद हुई है? कितना? 2.5 लाख की नकदी बरामद हुई है अभी। इसमें एक्चुअली मेन अभी निकल गए हैं और नहीं मिला सर, और कुछ जेवरात और भी ऐसे कई मामले हुए हैं, किसान के साथ भी हो चुका है और के साथ भी हो चुका है। एक्चुअली इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये बेसिकली पहले विश्वास हासिल करते हैं ज्वेलर्स का, पहले थोड़े थोड़े पैसे उनसे उधार लेते हैं, कुछ फर्जी पेंडेंट्स बना के देते हैं, उसके एवज में कैश लेते हैं, फिर एक हफ्ते बाद आके कैश कुछ ब्याज के साथ वापस करते हैं। इसमें भी यही हुआ, पहले 10,000, फिर 20,000, 25,000, 50,000 करते 1 लाख तक का इन लोगों ने पैसा लिया और उसके बाद एक हफ्ते बाद पैसा वापस करते थे, तो ज्वेलर उसके विश्वास में आ गए। फिर उनसे उन्होंने एक शादी वगैरह का बहाना करके कहा कि साहब मुझे ज़्यादा रकम और जेवर की आवश्यकता है, जिस पर संबंधित जो है सुनार ने इनको उस विश्वास में दिया और उसके बदले में इन्होंने नकली पेंडेंट्स दिया रखने के लिए गिरवी के तौर पे, जिसमें साइड पेंडेंट के साइड में ओरिजिनल गोल्ड थी, बाकी सब पानी लगा हुआ था, जो उनको बाद में पता चला हुआ जब, तब उसके बाद उन्होंने उनको लगा कि ठग लिए गए, जिसके बाद ये दौड़ के मुकदमा आया, थाने मुकदमा कायम कराए और इस पर हमारी टीम लग के कार्रवाई की। शेष अभियुक्त इसमें जो मेन है उसको गिरफ्तारी के लिए भी टीम हमारी रवाना हुई।